कल सुबह से गायब हो गई है। इसको कुछ नहीं कहा था, बस किसी को भी मिले कुछ भी होए घर आ जा बेटी घर आ जा, तो मेरे मैं हाथ जोड़ रही तेरे सामने, घर आ जा तो वापस आ जा, पापा की हालत बहुत खराब है। क्या नाम है बेटी का जी? उत्कर्षा। जल्दी आ जा बेटा घर। तू बेटी का नाम क्या है? उत्कर्षा पाटिल। तो कुछ अपील करना चाहेंगे बेटी से? वो जहाँ भी हो उसको मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचने की कोशिश करे, बहुत परेशान है, उसको कुछ कहा नहीं जाएगा, जो भी कुछ नहीं कहेंगे हम उसको, कुछ भी नहीं कहेंगे। फोन नंबर पता है? उसको बोले जहाँ भी फोन कर दे। एसडी मॉडल स्कूल में। तो कब से लापता है जी? कल सुबह 11 बजे से। पूरा परिवार परेशान है? पूरा परिवार परेशान है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल की एक बेटी है, 16 साल महज उम्र है, पाटिल परिवार पुलिस चौकी पहुंचा है अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में लेकर। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उनकी माँ का रो रोकर बुरा हाल है, उनके पिता का रो रोकर बुरा हाल है, आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जिस किसी को इस बच्ची की तस्वीर गौर से देख लीजिए, जिस किसी को जानकारी मिलती है वो तुरंत करनाल पुलिस को जानकारी दे सकता है, या अपने नजदीकी थाना में जानकारी दे सकता है, या हमारे मोबाइल नंबर 9812001353 पर भी जानकारी दे सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि महज 16 साल की यह बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है, लेकिन अचानक कल सुबह 11 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है, लेकिन कहां पर गई इस बारे में अभी किसी को नहीं पता। उनकी मदर यहां पर पहुंचे हुए हैं, अपनी बच्ची की तस्वीर हाथ में लेकर लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ एक बार दोबारा से बच्ची का नाम बताना चाहेंगे? ताकि और क्या कुछ कपड़े डाले हुए थे? क्रीम कलर की टी शर्ट, व्हाइट कलर का लोअर पाया था उसने, और गले में गोल्ड की चेन थी, बस यही था उसके पास, बाकी कुछ नहीं। कितने बजे गई है जी वो? 11:30 के आसपास ही गई है। क्लास में पढ़ती है जी अभी? एचडी मॉडल स्कूल में। तो कोई घर झगड़ा हुआ? कोई कुछ नहीं हुआ था, बस पापा ने पढ़ाई के पीछे थोड़ा सा डांटा था, यही बात हुई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ था। तो आप बेटी अगर खबर देख रही है तो उसको अपील करेंगे कि बेटा जल्दी आ जाओ? हाँ जाओ बेटी, जल्दी आ जा, मैं यही दुआ करूंगी किसी को भी मिल जाए तो घर हमारे को वो भेज देना। तो आप देख सकते हैं उत्कर्षा पाटिल इस बच्ची का नाम है। जी हाँ, उत्कर्षा पाटिल इस बच्ची का नाम है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उत्कर्षा पाटिल को ढूंढने में मदद करें। 16 साल की बच्ची है। उनके पिता आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर खड़े हैं इस समय। पुलिस के जो इंचार्ज हैं, जांच अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे ताकि उनकी भी अपील जो है आगे बच्ची तक पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढने में मदद की जा सके। सर क्या बताना चाहेंगे? 16 साल की बच्ची उत्कर्षा पाटिल लापता हो गई है, मामला दर्ज कर लिया है, उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश आप कर रहे हैं, कैसे पता चला, क्या कुछ जानकारी? सर कल ये अधिक पाटिल आए थे, अपने लड़के के गुम होने बारे दरखास्त दी थी, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज करके है ना, लोकेशन भी लगवाई हुई है मोबाइल की, और उस लड़की की तलाश जा रही है। नाम उसका हर्षिता पाटिल है, उत्कर्षा पाटिल है। लोगों से अपील है, जिसके किसी को भी इस लड़की के बारे में पता लगे तो पुलिस चौकी सेक्टर 4 में इन्फॉर्म करें। तो बिल्कुल पुलिस चौकी सेक्टर 4 में तुरंत जानकारी दी जा सकती है। परिवार के लोग काफी ज्यादा दुखी हैं, बेटी की तस्वीर हाथ में लिए हुए मदर लोगों से अपील कर रही है कि उनकी 16 साल की बेटी उत्कर्षा पाटिल जिसका नाम है, उस बच्ची को ढूंढने में मदद की जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। बेटी की तस्वीर आप गौर से देख लीजिए, जिस किसी को बेटी के बारे में कोई भी जानकारी होती है तो तुरंत वे हमारे मोबाइल नंबर पर भी जानकारी दे सकता है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। उत्कर्षा पाटिल इस बच्ची का नाम है जो स्कूल में पढ़ती है, उत्कर्षा पाटिल, इसकी तस्वीर आप गौर से देख लीजिए। उनके पिता हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या डांट आपने लगाई थी जिस कारण बच्ची कोई परेशान हो गई? डांट लगाई थी वो, सुबह 10 बजे मैं दुकान पे चला गया, मेरे जाने के बाद वो 11:30 बजे के बाद घर से निकल गई है। तो हमारे को 10 मिनट के बाद हमने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह ढूंढा, फिर हमने सेक्टर 4 में पर्चा दाखिल करा, तो शाम को FIR दर्ज करी। तो पुलिस प्रशासन से मेरी अपील आई कि उसको जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करें। हालांकि वो बेटी का दोस्त कोई वीडियो देखता है तो आप उनको कहना चाहेंगे कि मदर का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है? उनके जो भी दोस्त है, फ्रेंड है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि जिसको भी पता हो हमारे को बताते, या करनाल ब्रेकिंग न्यूज को बताने की कोशिश करें। नंबर भी बताएंगे? मेरा नाम
551495 81 ये मेरा नंबर है, इस पर मेरे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। मेरा नाम आदिक पाटिल है, मेरा सराबा बाजार में दुकान है मेरी, गोल्ड की काम करता हूँ मैं। तो बिल्कुल बहुत ही दुखद समाचार, लेकिन हमें उम्मीद है सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, आपके एक शेयर, आप तुरंत अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इस बच्ची उत्कर्षा पाटिल के बारे में, जो मैं 16 साल की बच्ची है, कोई इसको बेला फुसला कर भी ले जा सकता है, कोई ये बच्ची अपने आप भी, क्योंकि पिता द्वारा डांट लगाई गई, अपने आप भी कहीं जा सकती है। तो इसलिए इस बच्ची से भी हमारी अपील है कि उनके माँ बाप का रो रोकर बुरा हाल है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत अपने घर पहुंचे। आप देख सकते हैं आपकी मदर, आपकी माता जी तस्वीर हाथ में लेकर किस तरह से पुलिस चौकी पहुंची है और अपील कर रही है लोगों से ताकि उनकी बच्ची जल्द से जल्द जो है अपने घर वापस लौट आए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तमाम लोग इस परिवार की मदद करें। आपका एक शेयर, आपके एक शेयर की मदद से इस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढा जा सकता है। पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज के सहयोग से, आप तमाम फॉलोवर्स के, आप तमाम दर्शकों के सहयोग से तुरंत बच्चों का पता चल जाता है। 24 घंटे से पहले बच्चे अपने घर लौट आते हैं और हमें पक्का विश्वास है ये बच्ची भी, उत्कर्षा पाटिल भी, जल्द से जल्द अपने घर पहुंचेगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 4 पुलिस स्टेशन से। आप लोग ये सामने देख रहे हैं, एक तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस लड़की का नाम है उत्कर्षा पाटिल, 16 साल की ये लड़की है और कल सुबह 11:30 बजे से ये अपने घर से लापता हुई हुई है और उनके पेरेंट्स आप लोग देख सकते हैं, उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। और कहा जा रहा है कि बस थोड़ा सा पिता ने डांटा था पढ़ाई को लेकर, अब पता नहीं वो डांट कर गुस्सा होकर चली गई है, ये क्या हुआ, कोई बहला फुसला कर ले गया है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज से ऐसे खोए हुए काफी बच्चों को उनकी फैमिली से मिलवाया है। तो इस वक्त भी आप लोगों की जरूरत है, आप फॉलोअर्स की, आप व्यूअर्स की, जितना ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे शायद एक माँ को अपनी बेटी मिल जाएगी। तो आप लोगों से एक अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 16 साल की उत्कर्षा पाटिल बताई जा रही है, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है, बाकी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप लोग भी शायद ये कर सकते हैं। अगर उसके फ्रेंड्स कोई देख रहा है, उसके फ्रेंड्स देख रहे हैं, या शायद उत्कर्षा खुद आप अगर ये वीडियो देख रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग देख सकते हैं आपके पेरेंट्स का कैसे रो रोकर बुरा हाल है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने घर वापस आ जाइए। और अगर कोई फ्रेंड्स देख रहे हैं शायद जिसको पता हो, वो चाहे पेरेंट्स को ना बता रहे हो वो फ्रेंड्स डर के मारे, लेकिन प्लीज आप लोग ऐसा मत डरिए और उनके पेरेंट्स को बताइए अगर आपको कुछ भी पता है। बाकी हम जानने का प्रयास करते हैं उनके पेरेंट्स से कि कैसे वो किस वक्त निकली और क्या पूरा मामला रहा। तो सर बताइए क्या। सुबेरे ये 10 बजे मैं अपनी शॉप के लिए निकल गया था, 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया, 11:15 बजे कि वो घर से निकल गई है। हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ जहाँ फ्रेंड थे उनके फ्रेंड के फ़ोन मिलाया, फ्रेंड से घर पे चले गए, कहीं से कुछ हमारे को जानकारी नहीं मिली। तो जिसको भी इस बारे में पता लगे कृपया करके हमारे को बताने की कोशिश की जाए। तो सर आपने उसके सभी फ्रेंड्स और जो आपके रिश्तेदार रहते हैं पड़ोसी आसपास सब जगह पूछताछ की? सब जगह हमने पूछताछ करी, सुबेरे भी हम रात को भी करी, रात 11-1 बजे तक हम दौड़ रहे थे, फिर सुबेरे उठ के भी हमने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाके देखा, कहीं कुछ पता नहीं लगा हमारे। रिश्तेदारी में कहीं नहीं गई हो। तो आपने कंप्लेंट किस टाइम दर्ज करवाई है? कंप्लेंट हमने सुबेरे 11-12 बजे के आसपास करी होगी दर्ज, उसके बाद शाम को ये पायार तो हम उनकी माँ से भी जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या अपील करना चाहती हैं आप? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि कहीं भी हो मेरी बेटी घर वापस आ जाए, बस यही अपील करना चाहती हूँ। बाकी क्या कल सुबह 11 बजे की निकली? 11 बजे के आसपास ही निकले, 11:30 बजे के आसपास। आपको किसी पर शक है? किसी पे शक नहीं है। तो क्या कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था घर पर? कुछ कुछ नहीं हुआ था, बस पापा ने पढ़ाई के पीछे थोड़ा सा डांटा था, यही बात हुई थी, बाकी कुछ नहीं हुई थी। तो देखा आप लोगों ने, माता और पिता का रो रो कर बुरा हाल है, बस वो एक यही अपील कर रहे हैं आप सब दर्शकों से कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी खोई हुई बेटी उनके घर वापस आ सकती है। 16 साल की उत्कर्षा पाटिल जो कल सुबह 11:30 बजे अपने घर से लापता हो जाती है, कहा जा रहा है कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा पिता ने डांटा की पढ़ाई को लेकर, लेकिन आजकल के बच्चे शायद कुछ सहते नहीं है कि डांट भी नहीं सह पाते हैं। उत्कर्षा अगर आप ये वीडियो देख रही हैं
तो आप अपने पेरेंट्स का हाल देख सकती हैं, कैसे रो रोकर बुरा हाल है। जल्दी से अपने घर वापस आ जाइए। और अगर उसके कुछ फ्रेंड्स जिनको इस बारे में पता है वो नहीं बता रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, शायद आप लोग बता देंगे तो उनके पेरेंट्स का आप लोग देख सकते हैं कैसे रो रोकर बुरा हाल है, उनके घर की बच्ची जा चुकी है। तो आप लोगों से, सभी व्यूअर्स से भी अपील रहेगी, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी खोई हुई बेटी 16 साल की उत्कर्षा पाटिल इन लोगों को मिल जाए। और अगर किसी को कहीं भी दिखाई देती है, कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या किधर भी दिखाई देती है, सिटी में या सिटी से बाहर, तो आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज को आप कॉल करके, मैसेज करके या फिर इन लोगों के नंबर पर कॉल या मैसेज करके इनको बता सकते हैं। एक बार हम नंबर फिर से जानना चाहेंगे कि क्या कॉन्टैक्ट नंबर है सर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। 9255149581 9050149581 दोबारा बता दीजिए। 9255149581 9050149581 तो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर भी सुन लिया है। आप इन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और जल्द से जल्द आप लोग कोशिश कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके एक शेयर से, जी हाँ आपके एक शेयर से इन लोगों की खोई हुई बेटी मिल सकती है। कल सुबह 11:30 बजे से 16 साल की उत्कर्षा पाटिल गायब हैं और आप लोग सोच सकते हैं। और आप ये तस्वीर बिल्कुल गौर से देखिए, ध्यान से, शायद आपने इसको कहीं देखा हो, कहीं गुजरते हुए किसी मार्केट में, कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, किसी भी मार्केट में या कैफे में कहीं देखा हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पिक्चर को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे और शायद इनको इनकी बेटी मिल सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इससे पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से काफ़ी ही खोए हुए बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि ये जो पेरेंट्स आप लोगों के सामने खड़े हैं, इनकी भी हेल्प की जाए, आपके थ्रू ही हेल्प हो सकती है। और पुलिस वाले भी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज की जा चुकी है, पुलिस वाले भी अपना काम करेंगे, लेकिन आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को शेयर करना है और शायद इनकी खोई हुई 16 साल की बेटी उत्कर्षा पाटिल इन लोगों के पास वापिस आ सकती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देख सकते हैं कि माँ बाप का कैसे रो रोकर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा कोई घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा डांटा गया था लड़की को पढ़ाई को लेकर, इसके बाद वो लापता हो जाती है 11:30 बजे। तो आप लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया गया है आप लोगों को और सर ने भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने भी आप लोगों को कहा है, आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कहां पर, अगर आपने कहीं पे भी देखा है तो आप हम लोगों को भी बता सकते हैं। एक बार पिक्चर आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि ये है 16 साल की उत्कर्षा पाटिल। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस बच्ची को ढूंढने में तुरंत मदद की जाए और हमें पक्का विश्वास है कि चंद ही घंटों में ये बच्ची अपने घर लौट आएगी। जिस किसी को इस बच्ची के बारे में जानकारी है वो तुरंत तुरंत इनके पिताजी के नंबर पर जानकारी दे सकता है, हमारे मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकता है। हमारा मोबाइल नंबर 9812001353 है। और अगर बात की जाए पुलिस चौकी इंचार्ज का नंबर 9729990729 है। तो इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि परिवार लगातार परेशान है, इनकी बच्ची बिल्कुल सकुशल जल्द से जल्द घर लौटकर आएगी। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, आपके शेयर में बहुत ताकत है, आप इस वीडियो को जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये बच्ची तक भी ये वीडियो पहुँच सकता है। पहले भी ऐसे बहुत सी बेटियों को हमने तुरंत जो है उनके माँ बाप तक पहुँचाया, उनके घर तक पहुँचाया, पुलिस उनको ढूंढ कर लाई, सोशल मीडिया की ताकत से ही जो है इस बच्ची को ढूंढा जा सकता है। उनकी मदर लगातार तस्वीर हाथ में लेकर लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि उनकी बच्ची को ढूंढने में मदद की जाए। उत्कर्षा पाटिल नाम है, मैं 16 साल की बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है, पिता द्वारा मामूली बात पर डांट लगाई गई जिसके बाद वो बच्ची अचानक कल सुबह 11 बजे से लापता है। 2 दिन हो चुके हैं, दूसरा दिन आज है, लेकिन बच्ची के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसलिए हमारी आप सभी से बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि हर एक शख्स इस खबर को जरूर शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। आपके एक शेयर की मदद से, आपके एक शेयर की मदद से इस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढा जा सकता है, इसको घर तक पहुंचाया जा सकता है, इसके माँ बाप ताकि परेशान ना हो, ताकि इस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। उनकी मदर लगातार अपील कर रही है। अंत में मैम एक बार दोबारा से लोगों से अपील करना चाहेंगे, बच्ची ने क्या कपड़े डाले हुए थे, किस रंग से डाले हुए थे, किसी तरह कोई हाथ पे निशान, मुंह पे निशान? बच्ची ने क्रीम कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, व्हाइट कलर का लोअर पहन रखा था और गले में गोल्ड की चेन थी। जहाँ पे भी किसी को मिल जाए, किसी को पता चले तो हमारे को प्लीज कॉन्टेक्ट करना। किसी तरह का कोई निशान हो? नहीं, किसी तरह का निशान उशान नहीं है।
और बच्ची स्कूल में पढ़ती है? बच्ची स्कूल में पढ़ती है, एचडी मॉडल स्कूल में पढ़ती है। बेटी तक भी मैसेज देना चाहेंगे कुछ आप? बेटी कहीं भी हो तू वापस आ जा, जरूर देख रही होगी तू कहीं पे हमारी ये वीडियो, कहीं भी हो जा वापस आ जा बेटी, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे हम कुछ भी, आ जा तू वापस आ जा बेटी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं उनकी माताजी लगातार अपील कर रही है और हमें पक्का विश्वास है कि जो माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं उस एक एक आंसू की कीमत है, उस एक एक आंसू के लिए आपको एक एक शेयर करना है। सिर्फ आपके एक शेयर की मदद से इस बच्ची को, उत्कर्षा पाटिल को जो महज 16 साल की है, इसको इसके घर तक पहुंचाना है। इसके दुखी जो माँ बाप हैं वो काफी दुखी हो रहे हैं, काफी रो रहे हैं, उस बच्ची को जल्द से जल्द घर पहुंचाना है। अगर ये बच्ची भी ये वीडियो देख रही है, उस बच्ची से भी हमारी अपील है कि बेटा आप जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे, क्योंकि आपके माँ बाप काफी परेशान हो रहे हैं। गलती हो जाती है, अगर आप गलती कर अगर आप घर से चले गए हैं या आपको कोई भेला फुसला कर ले गया है, हमें पक्का विश्वास है कि आप जल्द से जल्द अपने घर पहुंचेंगे। आपकी मदर काफी रो रही है, कल से उन्होंने ना ही खाना खाया ना ही पानी पिया, बहुत ही दुखी है परिवार, पूरा का पूरा परिवार दुखी है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उत्कर्षा पाटिल की तस्वीर गौर से देख लीजिए। चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे आप हरियाणा के रहने वाले हो, चाहे आप पंजाब के रहने वाले हो, चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, आप तुरंत इस वीडियो को शेयर करें, अभी शेयर करें, ताकि इस बच्ची के बारे में जल्द से जल्द जानकारी जुटाई जा सके। हमें पक्का विश्वास है सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, आपके एक शेयर की मदद से पहले भी ऐसे बहुत से बच्चे और बुजुर्गों को हमने उनके घरों तक पहुंचाया है। इसलिए हमें पक्का विश्वास है कि इस 16 साल की बच्ची जो लापता हो गई है, अचानक कल सुबह से लापता हो गई है, उस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढे जाने में मदद की जा सकेगी। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल।